लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर ग्रेटर हिमालयन रेंज में हमारे देश का वो शहर बसा है जहां पर गंगोत्री यानी गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर से निकलकर भागीरथी सबसे पहले गंगोत्री पहुंचती है। और यही वजह है कि केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री के अलावा गंगोत्री चौथा मुख्य धाम है। अगर पुराणों की माने तो ये वही तीर्थ स्थल है जहां भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं से उतारा था। क्या आप जानते हैं कि धरती पर अपने पहले चरण में देवप्रयाग तक गंगा भागीरथी क्यों कहलाई जाती है? वो इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजा भागीरथ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए तपस्या की थी जिसके फलस्वरूप गंगा धरती पर उतरी। इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा बर्फ से ढके तीर्थ स्थल गंगोत्री। गंगोत्री में होंगे प्रख्यात सूर्य कुंड के दर्शन। ठिठुरती ठंड में मैं पहुंचूंगा गंगोत्री से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंगनानी के गर्म कुंड यानी नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग और उठाऊंगा लुत्फ पहाड़ों की वादियों में बसे खूबसूरत सारी गांव का। भाई साहब ये सूर्यकुंड कहाँ है? हाँ सर, यहाँ से आप 200 मीटर आगे जाओगे सीधा रास्ता है, आपको सूर्यकुंड मिल जाएगा। 200 मीटर ही है ना? 200 मीटर ये पहाड़ों वाला 200 मीटर तो नहीं है? नहीं पहाड़ों वाला नहीं है, सीधा है। ओके थैंक यू। कहते हैं कि सूर्य की किरणें जब सुबह सुबह सूर्यकुंड के पत्थरों पर पड़ती है तो एक बहुत ही खूबसूरत सा इंद्रधनुष बनता है। अब देखते हैं सिर्फ बातों में या हकीकत में बनता है। सूर्यकुंड, सूर्य की पहली किरणें इस कुंड पर पड़ती हैं। यहाँ पर एक प्राकृतिक शिवलिंग भी है और माँ गंगा और शिवलिंग का अभिषेक करके निकलती हैं। बहुत सी पारंपरिक कथाएं जुड़ी हैं सूर्यकुंड के साथ में, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंद्रधनुष बनता है कि नहीं बनता। आइए देखते हैं। गंगोत्री मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है सूर्यकुंड, जो कि टूरिस्ट यानी सैलानियों के लिए एक विशेष आकर्षण है। कहाँ है इंद्रधनुष? यहाँ तो कोई रेनबो दिखाई नहीं दे रहा भाई, शायद कुछ बातें सिर्फ कहने या सुनने के लिए होती हैं, या फिर हो सकता है कि आज मेरी किस्मत खराब। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं किस्मत का बहुत धनी हूँ, क्योंकि इतने सुंदर दृश्य को देखने का मौका कितनों की किस्मत में होता है। लीजिए ये आ गए गंगोत्री के मेरे दोस्त और लोकल कॉन्टैक्ट मुकेश। मुकेश कहाँ है इंद्रधनुष? सर आजकल इंद्रधनुष जब गंगा जी का फ्लॉप ज़्यादा रहता है फिर यहाँ पे इंद्रधनुष दिखता है, आजकल थोड़ा कम है तो इसलिए नहीं दिखता। आपने कभी देखा? हाँ जी काफ़ी बार देखा है सर। और सुना है मैंने यहाँ पे एक प्राकृतिक शिवलिंग भी है। जी बिल्कुल सर, जब गंगा जी का फ्लॉप कम हो जाता है तो यहाँ पे शिवलिंग दिखता है सर। लोगों ने देखा है? लोगों ने काफ़ी बार देखा। आपने देखा? एक बार देखा है सर। अच्छा ये बताओ कि मैं पढ़ रहा था यहाँ पे और क्या क्या कथाएं जुड़ी हैं सूर्यकुंड को लेकर? सर यहाँ पे पौराणिक कथाओं के अनुसार तो सर जब गंगा जी जब आए थे मतलब उतरे स्वर्ग से तो यहाँ पे शिव जी भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा जी को थामा था। यहाँ सूर्यकुंड में? सूर्यकुंड के पास। और दूसरा बोलते हैं सर कि जो धरती पे जो सूर्य की फर्स्ट किरण पड़ती है वो सूर्यकुंड पे ही पड़ती है यहाँ पे। क्या बात जी, हमारी कथाओं में कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बिल्कुल सर। मुकेश मुझे चलना होगा जी। थैंक यू वेरी मच, आपके साथ ट्रैकिंग की बहुत मज़ा आया, आपने इतना सहयोग दिया मुझे, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी जब कभी आप मुझे बोलते हैं। कभी भी आप आइए। चलिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बिल्कुल सर।
कहते हैं सर्दियों में जब गंगोत्री बंद होता है और लोग नीचे बसे गांव में चले जाते हैं तो यहाँ खुद देवता वास करते हैं। किसी जगह ऑफ सीजन में आने का नुकसान अगर ये है कि वहाँ चहलकदमी नहीं है, लोग बाग नहीं है, तो एक फायदा ये भी है कि पूरा का पूरा शहर आपके लिए है। आज पूरा गंगोत्री मैं पूरे इत्मीनान के साथ में, पूरी शांति के साथ में घूम सकता हूँ। ऐसा लग रहा है मान लो जैसे गंगोत्री शहर सिर्फ मेरे स्वागत के लिए खड़ा है। स्वागत तो हो गया लेकिन अब इन बंद होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मेरी पेट की भूख को कौन शांत करेगा। होटल ना सही, इस आश्रम में अपना लक ट्राई करता हूं। एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस सर। सॉरी बिन बुलाए मेहमान की तरह से मैं आ गया। yes, yes, पर मार्केट पूरा बंद है, सब दुकानें बंद है। कुछ खाने में मिल सकता है? मिल सकता है सर, हमारे पास जो भी है हम आपको खिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बस थोड़ा सा जो भी कुछ होगा चलेगा। ओके सर बैठिए। थैंक यू। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बात है, खिचड़ी? यस सर खिचड़ी है। क्या क्या? गोभी है, मूंग दाल है और चावल है सर इसमें। यहीं से आती है? हाँ सर, ये आश्रम से ही नीचे से आती है। क्या नाम है आपका? मेरा मनवीर ठाकुर है सर। तो सीजन टाइम में तो काफी लोग आते होंगे ना? हाँ सर, उस समय तो काफी लोग आते हैं यहाँ पे, पूरा गंगोत्री आपका काफी टूरिस्ट लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। हम जैसे लोग आते हैं कभी कभी बिन बुलाए खाना चाहिए? नहीं सर, आते हैं। सबकी सेवा करते हैं? हाँ सर करते हैं। पर कितना चार्ज करते हैं? नहीं सर, इसका कोई चार्ज नहीं है, वो कोई अपनी श्रद्धा से जो भी यहाँ देते हैं। हाँ सर, ये सर एक तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, कुछ भी व्यवस्था पहले से नहीं थी, तो आश्रम का कहने का मतलब कोई भी साधु संतों के लिए ये ठहरने की जगह है। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे टूरिस्ट लोग भी आ जाते हैं, रहने की व्यवस्था है। कौन कहता है कि अच्छाई दुनिया से ख़त्म हो रही है? हमारा अच्छाई से विश्वास कम होता जा रहा है। yes, नहीं सर, yes, सर। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे लिए कहते हैं ना, वो साक्षात भगवान की तरह प्रकट हुए। नहीं सर, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। लेकर रखूंगा? यस सर, मैं लेके जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके सर, यू आर थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से, बहुत सारा आशीर्वाद। कुछ पैसे दे सकता हूँ? नहीं नहीं सर, प्लीज। ओके। नहीं नहीं सर, चलिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। इट्स ओके सर, यू आर वेलकम। चलिए मेरा काम तो हो गया, मैं निकला अपनी यात्रा पे आगे। बस ऐसे लोगों के सारी यात्रा कटेगी। किसी शहर को अगर खूबसूरत कुदरत बनाता है तो उसे बदसूरत हम बनाते हैं। जहाँ देखो वहाँ कोई बॉटल फेंकता है, कोई प्लास्टिक डालता है। कितनी मेहनत लगती है अगर इस कचरे को हम अपने हाथ में रखें और उसे इसकी स्थानीय जगह यानी कि डस्टबिन के अंदर डाल दें। इतना सा काम, इतनी सी मेहनत, अरे शहर कितना खूबसूरत लग सकता है। इतना ही तो करना है हमें। अपने लेवल पर हमें सफाई तो रखनी ही है, पर एक बड़े स्तर पर सरकार शहर के कचरे और सीवेज को डिस्पोज करती है। गंगोत्री धाम में 2013 के नेचुरल डिजास्टर के बाद काफी नुकसान हुआ था और यहाँ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी डैमेज हुआ था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट ने इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का दोबारा निर्माण किया और उसे एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा किया और अब ये प्लांट इसी प्रोजेक्ट की आर्थिक सहायता से चलाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस पूरे प्लांट का संचालन एक महिला अधिकारी कर रही है। तो बस इस प्रोजेक्ट के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने और हमारी सरकार क्या कर रही है ये जानने के लिए मैं उन्हीं महिला अधिकारी के ऑफिस पहुंच गया उनसे मिलने। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बंद था लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और जब मुझे बताया कि इस प्रोजेक्ट की मैनेजर एक महिला है तो मेरा इंटरेस्ट डबल हो गया। और यहाँ मैं हूँ शशि राणा जी के सामने,
सचिन जी, सच में मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि महिलाएं जो हैं आज की तारीख में, ऑफकोर्स जमाना बदल गया है, फ्लाइट में जाओ तो महिला पायलट, हर जगह जाओ तो हर टॉप पे महिला ही महिलाएं। तो ये ना एक ऐसा मेरे मन में था, मैं इसलिए आपसे मिलना चाह रहा था कि सीवेज ट्रीटमेंट गंगा का, वो भी जी। तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है जी। तो इसमें क्या क्या करते हैं आप? इसमें बेसिकली क्या है कि जहाँ वहाँ पे जो भी होटल, धर्मशाला या इस तरीके की जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई है, उनके टॉयलेट से हम सारा ये थ्रू पाइपलाइन कलेक्ट करते हैं पंपिंग स्टेशंस में, तब इसको ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं, जहाँ पे इसको हम ट्रीट करके जो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ CPCB उसको फुलफिल करके तब हम इसको आउटलेट के थ्रू दोबारा गंगा जी में डाल। तो आप जो कचरा गंगा में उसी हालत में आता, उसे आप रोक कर, उसे ट्रीट कर कर, उसे साफ करके फिर आप गंगा में छोड़ते हैं जी। तो इसमें तो रोज का मतलब बहुत लोड होता होगा सीजन टाइम पे, कितने लोग आते हैं, सब धर्मशालाएं फुल होती हैं, बहुत तो दिक्कत होती है। और क्या ये होटल्स और धर्मशालाएं और आश्रम जो हैं, ये लोग कोऑपरेट करते हैं? बिल्कुल कोऑपरेट करें, उन्हीं के कोऑपरेशन से आज हम इस ट्रीटमेंट प्लांट को सक्सेसफुली चला पा रहे हैं। क्या बात है। तो नमामि गंगा आपको सपोर्ट करता है या किस तरह से आप लोग आपस में साथ में काम करते हैं? नमामि गंगे से हमें बेसिकली फंडिंग होती है, जिसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अरे वाह, तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आपको? मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। और ये है कि यहाँ पे जो हमने गंगोत्री में एक MLD का STP बनाया है, MLD मतलब एक आम इंसान को आप समझा, मेजर को ये टेक्निकल भाषा समझ नहीं आती। मिलियन लीटर्स पर डे, तो 1 मिलियन लीटर्स पर डे का जो गार्बेज है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। सुपर। तो कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, जो लोग बड़ी आस्था के साथ में वहां जाते हैं और आप लोगों के ऊपर इतना लोड छोड़ के आते हैं कि उनके जाने के बाद में आप सफाई करते रहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सकता है हम अपने तरफ से, अपने लेवल से जितना कम गंदगी करें, अपनी गंगा माँ को बचाए रखें, उतना अच्छा है। थैंक यू वेरी मच आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे जो मन में जो क्वेश्चन उठ रहे थे उनका जवाब मुझे मिल गया, क्योंकि जब मैं गया और मैंने देखा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये कैसे मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए और मुझसे मिलने के लिए। धन्यवाद। तो गंगोत्री का सफर तो यहाँ खत्म होता है, बहुत यादें लेकर जा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में एक निशानी भी लेकर जाना चाहता हूँ। गंगोत्री से साफ, शुद्ध, स्वच्छ गंगा जल, क्या पता आगे जाके मिले ना मिले। आगे मैं लेकर चलूंगा आपको गंगनानी के प्राकृतिक गर्म कुंड और सरी गांव, जहां मैं उठाऊंगा मजे गांव के स्वादिष्ट ताजे खाने का, बहुत 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 स्वादिष्ट, और सुनूंगा कुछ मधुर पहाड़ी लोकगीत। फाइव फोर थ्री टू वन एक्शन। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी गंगा क्विज कॉन्टेस्ट में। The questions and the question goes to team D. The answers D, human feces. The heat of intense competition, the battle of the brains, racing against time, fighting it out to conquer. Who survives the final showdown? Brace yourself for the grand event. Meri Ganga Quiz, every Saturday and Sunday at 10 a.m. only on Doordarshan National. इस ठिठुरती ठंड में अगर आपको गर्म पानी को देखने या छूने का मौका मिल जाए तो सर्दी का मजा दुगना हो जाता है। तो बस इसी एहसास के लिए मैं अगले दिन निकल पड़ा गंगोत्री से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंगनानी के प्राकृतिक गर्म कुंड, यानी नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग।
यह है गंगनानी, एक बहुत ही धार्मिक स्थल है। यहाँ पर एक गर्म कुंड है, लेकिन यहाँ देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने इसे कचरा कुंड बना दिया। कितना प्लास्टिक, कितना कचरा, कहाँ जाता होगा ये, कभी सोचा है? जितने भी लोग इस दर्शन यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझते कि ये कचरा सीधा गंगा में जाता होगा? कितनी कितनी मेहनत लगती है इस कचरे को अगर हम डस्टबिन में डाल दें। ये जिम्मेदारी हमारी है, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि ऊपर क्या है। ये है गंगनानी का फेमस प्रसिद्ध गर्म कुंड। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पराशर, जो कि ऋषि वेद व्यास के पिता भी थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप यहाँ इस ठंडे वातावरण में धरती से ये गर्म उबलता हुआ पानी निकलने लगा। इसे इंग्लिश में थर्मल हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी कहते हैं। और इसके आगे की यात्रा मैंने अपने किराए की बाइक को छोड़कर यातायात के अलग अलग साधनों से करने का सोचा। यह सफर था तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही यादगार भी, पर मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मेरे दिल की इच्छा थी कि मैं इस क्षेत्र का एक बहुत ही खूबसूरत गांव देखूं, तो लोगों ने कहा कि सारी एक बहुत ही सुंदर गांव है। नमस्कार नमस्कार। अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए आइए आइए। शुक्रिया। अरे बड़ा 4 किलोमीटर चल के आया मैं। अरे आपने बहुत अच्छा हुआ आप पहुंच गए हैं यहाँ तक। जी बहुत सुंदर गांव है, मैंने बहुत सुना था इसके बारे में। अरे सर जी, मेरा नाम राजीव है, मैं आ रहा हूँ मुंबई से। जी जी जी। और मैं जहाँ एक्चुअली गंगा के किनारे किनारे रहा हूँ। जी जी। गंगोत्री से चला था मैं। जी जी। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो मैंने सुना कि सारी गाँव जो है जी बड़ा ही खूबसूरत गाँव है, तो मैंने कहा ये मेरे हाथ से नहीं बचना चाहिए। अरे सर वो तो हमारा वो भाग्य है कि आप हमारे गाँव में पधारे हैं। अरे अच्छा, पहला जो मेरे मन में बात आ रही है जी, इतना खूबसूरत गांव है। अच्छा, आपको एहसास है कि आप कितनी खूबसूरत जगह में रहते हैं? आपको एहसास है? हमें तो एहसास है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम नीचे जाते हैं ऋषिकेश उधर जाते हैं, तो वहाँ जरा भीड़ भड़ाका कानों में साउंड हो गया, गाड़ी का आवाज़ हो गया, ये हो गया, सो हो गया, उससे तो मुझे लगता है कि हम तो ऐसे हैं कि एक सुनसान जगह पर जो है वो ठीक ठाक है। आपको ऋषिकेश और हरिद्वार में हॉर्न और इससे परेशानी होती है, कभी दिल्ली और बॉम्बे आइएगा। अरे बाप रे, ना बाबा ना, हम तो ऋषिकेश में इतना परेशान है कि वहाँ के हॉर्न के देकर के हमारे जो है कानों के पर्दे जो है वो फट जाते हैं। अरे ये कौन है? अरे कितनी खूबसूरत है, इन्हें बुलाइए ना। कौन है बुलाइए ना। और मैं मिला घर की कुछ शर्मीली महिलाओं से, जिनके लाल कपड़ों की लाली उनके गालों पर भी झलक रही थी। सुंदर महिलाएं नहीं देखी मैंने, बहुत सुंदर। मेरा नाम राजीव है, मैं मुंबई से आया हूँ। पाउट पाउट ये मेरी माता कल शिला भवानी भवानी, ये मेरी माता कल शिला की कुंवारी भवानी, तेरी शिला हम हो, ये मेरी माता दीवा बार तोला भवानी, ये मेरी माता दीवा बरतौला भवानी। मीठी आवाज में गांव के लोक गीत का मजा उठाने के बाद बातचीत के सिलसिले में पता चला कि इस गांव में मीठे माल्टे भी उगते हैं एंड फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स आर माय वीकनेस।
ये मेरे छोटे छोटे सपने जो होते हैं ना, ये उन सपनों में से एक है। मुझे कोई किसी दुनिया में फॉरेन कंट्रीज घूमने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे किसी गांव में जाऊं और ऐसे कोई माल्टे का पेड़ हो उसको खींचूं और अपना फल खुद तोड़ूं। सर कौन सा बताओ मुझे, पकावा कौन सा होगा? आप पकावा और कीजिए, और कीजिए ये वाला। हाँ ये वाला, ये वाला, ये वाला। आ जा आ जा आ जा आ जा। ये बहुत मीठा होगा, ये ऑर्गेनिक। हाँ पूरा जूस मेरे हाथ में गिर रहा है इसका। सर मुझे 10 दिन के लिए रहने का मौका मिलेगा? 10 नहीं, आप पूरा 1 साल रह जाए। नमस्ते। आय हाय, इसके लिए मैं किसी भी 5 स्टार के खाने को छोड़ दूं। अरे ये तो धन्य है हम, धन्य है हम पूरा ना। नहीं धन्य माँ, बाकी धन्य है। ये काय की रोटी है? मंडवे वाली? ये मंडवे की है। अरे वाह, मंडवा और आटा मिला करके हाँ हमने ये रोटी बनाई है। और ये चटनी काय की है? ये चटनी है आपके भेंगजरा हो गया, आपका नींबू। हाँ भेंगजरा होता है हमारे यहाँ पर एक। हाँ। बहुत 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 स्वादिष्ट। और ये है मट्ठा, मट्ठा जिसको हम छाँस बोलते हैं। छाँस अति स्वादिष्ट। नेगी जी का घर का खाना उतना ही स्वादिष्ट था जितना दिख रहा था। ये पैदा हसा हरा होगी बोलो तेरी डोली जमाती, पैदा सारा होगी दियो तेरी जो आवाजी बोलो बोलो यदनी दानी राया दियो यो राजा भगीरत यजनाले उपाय जानते हैं जब मैं विदेश में घूमता हूं और लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किस देश से हैं, तो मैं बहुत फक्र के साथ कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान से हूं। और क्यों ना हो फक्र, कितना खूबसूरत है मेरा देश, कितनी विविधता है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। हमारा देश हमारी धरोहर है। लेकिन बहुत तकलीफ होती है जब मैं ये भी देखता हूं कि हम स्वयं अपनी धरोहर को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। गंगोत्री में जब मैंने कचरा देखा, गंगनानी के गर्म कुंड के बाहर जब मैंने प्लास्टिक देखा, तो मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि हम जानबूझकर नहीं, अनजाने में ही सही, हम अपने पर्यावरण को, अपनी धरोहर को ख़त्म करते जा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सके तो प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दें, और अगर करना ही है तो कोशिश करें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ना करें, रिसाइकिल एंड रीयूज प्लास्टिक, ताकि पर्यावरण में प्लास्टिक की मात्रा संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। अगर चाय पीनी है तो कोशिश करेंगे कूलर में पिएं, इससे कचरा भी कम होगा और आपकी चाय का स्वाद भी दुगना हो जाएगा, और साथ साथ आप किसी को रोज़गार भी देंगे। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन इनका परिणाम बहुत बड़ा है। तो बस यूं ही मन में ख्याल आया, आपके साथ ने बांट लिया। इस पर अमल करना या ना करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिलहाल मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।